हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केजी टेक्निकल हाउस में आपका स्वागत है। आज का प्लान 25x45। 25x45 प्लान में 4 बेडरूम, 2 टॉयलेट बर्थ, किचन, डाइनिंग हॉल, स्टेयर और फ्रंट में आपका शुरुआत में आपको एक बरामदा प्रोवाइड किए हैं। और इसमें टोटल 20 कॉलम रहेगा, लंबाई में 10 फीट रहेगा और साइज में 9x9 करके सेटअप किए हैं। और इस प्लान में जो फ्रंट में इस तरफ देखने को मिलेगा, इसमें जो स्टेयर है इसका सेटअप इस तरह से डिजाइन किए हैं। आप इस तरह से स्टेयर को आप सेटअप कर सकते हैं। और इस प्लान में जितना वॉल है पहले वॉल को क्लियर करते हैं, आउटर वॉल को क्लियर करते हैं। आउटर जितना वॉल है पूरा वॉल 5 इंच करके माप रखा हुआ है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और इस प्लान में जो प्लान का पीछे की तरफ जितना वॉल है क्लियर कर लिए है और इसका लुक अब इस तरह से है। और इस प्लान में जो दूसरी तरफ जो वॉल है इसका जो वॉल है पूरा क्लियर कर रहे हैं, पूरा एक एक करके। अभी इस तरह से इसका सेटअप रहेगा, आप देखने को मिल रहा है। और ये जो प्लान है रोड लेवल से यानी ग्राउंड लेवल से कम 2.5 फीट ऊंचा करके सेटअप करना है। और ये जो प्लान है आसाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। और इसमें आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा स्टेयर, और स्टेयर और किचन का पार्टीशन वॉल इसको क्लियर कर लिए। आपको इस साइड में फ्रंट में देखने मिलेगा डाइनिंग हॉल इस तरफ। और इस प्लान का जो एंट्री पॉइंट यहाँ से रहेगा, इसका जो और इस तरफ में आपको देखने वाला किचन है, और किचन और इस साइड में जो बेडरूम है इसका जो पार्टीशन वाला क्लियर कर लिए। और किचन का स्लैब 2.5 फीट ऊंचा होना है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और इस तरफ में जो डाइनिंग हॉल का पास में जो है एक बेडरूम रहेगा, इस पास में इसका डाइनिंग हॉल और बेडरूम का पार्टीशन वॉल। और इस तरफ में दो साइड में 2 बेडरूम रहेगा। और इसमें जो पार्टीशन वॉल है एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। और इसमें जितना वॉल है इनर जितना वॉल रहेगा भी 5 इंच करके सेटअप किए हैं। पूरा एक एक करके अंदर में जितना वॉल है एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। और इसमें दो साइड में 2 बेडरूम देखने को मिलेगा, और टॉयलेट बाथ और बेडरूम का पार्टीशन वॉल क्लियर कर लिए हैं। और इस तरह में दो साइड में जो 2 बेडरूम है इसका जो पार्टीशन वॉल है ये भी क्लियर कर लिए है। और इस तरफ में टॉयलेट बाथ और बेडरूम का पार्टीशन वॉल और अंदर में जितना वॉल है पूरा वॉल क्लियर कर लिए है। आपको इसका लुक इस तरफ से है आपको देखने को मिलेगा। और आप इस प्लान में फ्रंट में दो साइड में 2 विंडो छोड़ा हुआ है। इसमें इस साइड में जो वॉल है वॉल का पास जो एक एक करके विंडो वाइट कर रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं
पीछे तरफ दो विंडो छोड़ा हुआ है, 4x4 करके विंडो रखा इस बेडरूम में। दो साइड में दो बेडरूम है। ये डाइनिंग हॉल, इस तरफ विंडो रहेगा, इसमें भी एक बेडरूम है, इसमें भी एक विंडो रहेगा। और इस पास में जो टॉयलेट बर्थ है, इसमें एक विंडो रहेगा और इसमें एक बेडरूम है, इसमें भी एक विंडो रहेगा। और ये जो प्लान है, चारों तरफ 3 फीट करके माप छो रहा, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और ये जो प्लान है, इस प्लान को लागत देखा जाए 16 लाख रुपए आ सकता है। आप कहाँ से बिलोंग करता है, किस मटेरियल से बनाना चाहता है, और मिस्त्री और लेबर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस प्लान वीडियो देखने के बाद थोड़ा जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपका मत बता सकते हैं। और इस प्लान में पूरा लेआउट कर दिए हैं। अब इसका जो लुक इस तरह से रहेगा, और इस प्लान का मेजरमेंट इस तरह से सेटअप किए हैं, जो 25 इस तरफ रहेगा और दूसरी तरफ 45 सेटअप किए हैं। दो साइड में दो बेडरूम, इस बेडरूम का रहेगा 10 फीट इस तरफ और दूसरी तरफ रहेगा 11 फीट का है, और दूसरी बेडरूम में रहेगा इस तरफ है 12 फीट 11 इंची और दूसरी तरफ रहेगा 11 फीट का है। और टॉयलेट बर्थ इस तरफ रहेगा 6 फीट 2 इंची और दूसरी तरफ रहेगा 4 फीट 2 इंची का है। और तीसरा बेडरूम 10 फीट इस तरफ रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा 11 फीट का है। और ये टॉयलेट बर्थ 7 फीट इस तरफ और दूसरी तरफ 4 फीट 2 इंची का है। और ये जो बेडरूम है 9 फीट और दूसरी तरफ 11 फीट। और किचन का रहेगा 10 फीट और दूसरी तरफ रहेगा 9 फीट। और डाइनिंग हॉल का सेटअप इस तरफ से रहे 12 फीट 11 इंची का है, दूसरी तरफ रहेगा 9 फीट का है। और स्टेयर में रहेगा इस तरफ बरामदा है 13 फीट 8 इंची, दूसरी तरफ 7 फीट 4 इंची का है। और स्टेयर में इस तरफ है 9 फीट 7 इंची, दूसरी तरफ रहेगा 6 फीट 6 इंची का है। और इस वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिएगा। हर दिन कलर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन